आपको ओवर व्यू दे देता हूँ कैसा है यहाँ पे भाई पाव भाजी वगैरह मेरे एरिया का आया हुआ सबसे बेस्ट मैं बताऊँगा सच में बताऊँ। तो हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो भाई आज है मंडे और मैं जस्ट ऑफिस से आया हूँ, संडे निकला था रात को। ये अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे मेरे एरिया में, यहाँ पे मैं हलवा पूरी का एक दुकान है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। ये मैं इसको जो है दिन में इसका शूट कर चुका हूँ ऑलरेडी, ये रोल वगैरह बेचते बहुत ही बढ़िया और मैंने इनका शूट कर लिया था एक दोबारा से इनका दिन के टाइम पे। ये लोग बेचते हैं यहाँ पे पूरी और हलवा भाई, बहुत ही बढ़िया रहता है और लोग यहाँ पे भाई खाना बहुत ही पसंद करते हैं। मैं आया था इनका शूट करने के लिए भाई, आते आते खत्म हो गया, अभी 11:30 बजने को है उस वजह से भाई खत्म होने कॉल में। तो मैंने फिलहाल इनका नॉर्मल पूरी और आलू की सब्जी ले लिया, वो ट्राई करने वाला हूँ, देखता हूँ वो कैसा लगता है। और देखो मैंने यहाँ पे ले भी लिया, आपको दिखा भी देता हूँ भाई कैसा है वो, भाई देखने में बढ़िया लग रहा है फिलहाल। मैं इसको तो ट्राई करूँगा यहाँ पे, ट्राई करके थोड़ा बहुत आपको दिखाऊंगा, और कल नहीं हाँ कल मैं आऊँगा प्रॉपर आपको ये दिखाऊंगा वीडियो, कल नहीं तो परसों, क्योंकि कल आज रात को मुझे ऑफिस निकलना है। हाँ तो परसों दिखाऊंगा आपको सही से। तो फिलहाल जी हाँ अभी ब्लॉग का स्टार्ट हो चुका है, मैं यहाँ पे हूँ, ये शूट करने के लिए निकला था। कुछ मेरे पास अभी कुछ है नहीं कुछ ब्लॉग वगैरह, मतलब मेरा मेन चैनल के लिए वो शूट करने के लिए मुझे दोबारा से निकलना पड़ेगा थोड़ी देर बाद। तो फिलहाल हाँ अभी मैं घर जाऊँगा, घर जाके फ्रेश वगैरह होऊंगा और मेरे साथ मेरा आज दोस्त भी जाने वाला है प्रशंजीत, पता नहीं वो कितना जाएगा कि नहीं, तो वो बहुत लेट करते भाई आते आते, देखता हूँ अगर वो जाएगा तो उसको लेके जाऊँगा, नहीं तो मैं अकेला फिलहाल निकलने वाला हूँ। तो फिलहाल जी हाँ ब्लॉग का स्टार्ट हो चुका है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से टर्न ऑन कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, फटाफट मैं पूरी खाता हूँ, पूरी ट्राई करके देखता हूँ भाई कैसा लगता है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, खस्ता है, गर्मा गर्म यहाँ पे जस्ट यहाँ पे फ्राई हो रहा है और यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। पूरी का प्राइस कितना है पता नहीं, पूरी कितना करके है? 5 रुपये करके भाई, भाई बहुत ही रीजनेबल प्राइस है यहाँ पे कढ़ाई है, 5 रुपये करके मिल रहा है। और ये सौ भाई स्टफिंग देखो, ये देखो भाई स्टफिंग जस्ट लुक एट इट, ये देखो भाई कितना बढ़िया लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ये दाल वगैरह का स्टफिंग रहता है, चक्कू रहता है भाई इसके अंदर, क्या क्या स्टफिंग रहता है, क्या डालते हैं इसके अंदर, छत्तू वगैरह, चना का सत्तू, चना सत्तू, अच्छा भाई बहुत ही बढ़िया लग रहा है भाई, दाल चना सत्तू ये सब रहता है, चना डाल और चट्टू भाई सही है भाई, फीलिंग तो बहुत बढ़िया है और पूरी भी बहुत सही है, खस्ता लग रहा है, ट्राई करता हूँ इसको तोड़ लेता हूँ एक बार। ये आलू का सब्जी, आलू और ये चना ट्राई करता हूँ भाई इसके साथ, 5 रुपये करके ट्राई करता हूँ, बहुत बात है ट्राई करता हूँ भाई, सही है भाई बहुत ही सही लग रहा है, अंदर जो स्टफिंग है ना सत्तू का बहुत ही बढ़िया लग रहा है और इनका सब्जी भी बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, 5 रुपये करके बहुत रीजनेबल है, बहुत ही फ्लफी है और क्रंची भी है भाई। ये देखो सत्तू का फीलिंग दिखे तो कितना ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर, ट्राई करता हूँ और एक बार भाई, खाते मज़ा आ गया सच में बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और एक बार लेता हूँ भाई, बहुत टेस्टी लग रहा है भाई सच में बताऊँ, बहुत बढ़िया है, मैं मेरे एरिया का आया हुआ सबसे बेस्ट मैं बताऊँगा सच में बताऊँ, इतना बढ़िया इनका पूरी लग रहा है और ये सब्जी वगैरह कैसा दिया और प्राइस बहुत ही रीजनेबल है, 5 रुपये में भाई एक एक पूरी 5 रुपये में, बहुत ही सही है। फिलहाल मैं यहाँ पे इसको ख़त्म करता हूँ और डायरेक्ट दूसरा लोकेशन पर जब निकलूँगा वहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे फटाफट निकलना पड़ेगा अभी, पता नहीं फ्रेश होने का टाइम मिलेगा भी नहीं, तो फटाफट फिनिश करता हूँ और निकलता हूँ नेक्स्ट लोकेशन, ठीक है वहाँ से कंटिन्यू। सो भाई अभी टाइम हो चुका है दोपहर के 1:18 और मैं अभी पहुँच गया हूँ बस स्टैंड के इधर, घर में जाके मैं पूरा तैयार हुआ रेडी फ्रेश होके अपना लंच वगैरह करके मैं निकल गया हूँ और अभी मैं वेट कर रहा हूँ बस स्टैंड के इधर, बस जब तक आता है वेट करता हूँ, उसके बाद जाता हूँ एग्जैक्ट लोकेशन पे, वहाँ जाकर कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, देखता हूँ कितना देर में पहुँचता हूँ, आई होप वहाँ का दुकान खुल गया होगा, लास्ट डे जाके घूम के आ गया था भाई लास्ट वाले ब्लॉग में, तो फटाफट जाता हूँ देखता हूँ बस कब तक आते हैं, वहाँ जाके कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है भाई। दुकान अभी भी खुला नहीं है, मैं जैसे अभी बोलने वाला था शूट करना स्टार्ट कर देता अभी, तो ये भैया अभी भी दुकान लगा रहे हैं और 2 बजे, अच्छा हुआ मैं जल्दी नहीं आया, मैं सोचा था ऑफिस से घर जाके फटाफट निकल जाऊंगा, अच्छा हुआ मैं नहीं निकला भाई। तो फिलहाल यहाँ पे मुझे और थोड़ा सा शायद 15-20 मिनट वेट करना पड़ेगा, तो वेट करता हूँ और उसके बाद कवर करता हूँ आगे भाई। ये दिखा देता हूँ आपको, ये सिटी सेंटर है, सिटी सेंटर 1 है ये वाला, तो आगे दिखा दूँ आपको कैसा है क्या नहीं, ठीक है, थोड़ा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कैसा है यहाँ पे भाई। पाव भाजी वगैरह है इस साइड पे, यहाँ पे भी पूछा था मैंने फिलहाल, हाँ इस साइड है भाई, यहाँ पे पाव भाजी वगैरह बेचता है। तो सुबह पे आया था यहाँ 2 दिन पहले शायद, संडे को आया था तो तब तो शायद सब कुछ बंद ही था, शायद क्या बंद ही था सब कुछ भाई, और यहाँ पे और भी कुछ मिल रहा है, चिल्ला वगैरह सब कुछ है शायद, ये देखो भाई इस साइड में चिल्ला वगैरह बनता है, ये चिल्ला का सब कुछ बन रहा है यहाँ पे, तो देखता हूँ और क्या क्या कवर कर सकता हूँ। तो ये सामने वाला आपको दिखा देता हूँ सिटी सेंटर, ये वाला सिटी सेंटर भाई, ये CC1 है कोलकाता का, सिटी सेंटर 1 है ये आपका, सेक्टर 2 में है, कोरोनामयी के इधर है विधान नगर,
तो फिलहाल मैं जाता हूँ सर, थोड़ा वेट करता हूँ, देखता हूँ कितना टाइम लगेगा क्या नहीं, वेट कर लेता हूँ। हाँ, जब तक रेडी होगा मैं बना लूँगा वो, ठीक है। तो देखता हूँ अभी क्या होता है, यहाँ पे क्या लग रहा है अंकल, ये क्या लग रहा है, क्या चीज़ है, बन गया कुल्फी है, हो गया कुल्फी, क्या कुल्फी हो, फ्रूट वाला कुल्फी रखते हैं क्या, सीताफल है, कोकोनट है, नहीं वो होता है ना आपका वो जो फ्रूट के अंदर रहता है, फ्रूट के अंदर में अभी वो सीजन नहीं है, अभी नहीं है ना सीजन, हमको वो काल के लिए सब्जियां करंट पर रखना चल रहे हो भाई, मुझे वो मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा है। तो फिलहाल ये क्या करूँ, ये बहुत जगह मैं कर चुका हूँ, तो वेट कर लेता हूँ, जब तक वो रेडी होगा तो मैं कर लूँगा, नहीं तो यहाँ पे बन रहा है ये चिल्ला वगैरह, यही कर सकता हूँ, देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं, तो आपको अपडेट दे दूँगा, जो भी करूँगा आपको दिखाऊंगा, ठीक है। बोले भैया क्या खाना है, आइए पापड़ चाट पाव भाजी बड़ा पापड़ी। तो भाई अभी मैंने यहाँ पे शूट एक फूड का खत्म किया, मैंने भाई ये लिया, देखो भाई बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये आलू टिक्की चाट, फिलहाल मैंने यहाँ पे लिया था भाई, कितने करारे करारे क्रिस्पी ये आलू के जो टिक्की यहाँ पे बनाए गए हैं, बहुत ही सॉफ्ट है भाई, मैंने ट्राई किया था यहाँ पे, मैंने मेन चैनल के लिए तो मैंने ऑलरेडी खा लिया भाई, उठ जा भाई इतना नाराज है क्या भाई, नहीं भाई उठ जा, ये देखो भाई दही देखे, ऊपर से मैंने ये आलू टिक्की छोले चाट लिए, 60 rupees इसका प्राइस है, और दही देखो ऊपर अच्छे तरीके से लोडेड दिया गया, और बहुत ही करारे भाई, खाने में मज़ा आ रहा है भाई, बहुत ही टेस्टी है, जो मसाला पकड़े यूज किया था बहुत ही टेस्टी है, आलू भी बहुत ही अच्छा है, मुँह में जाते ही अच्छे से पिघल जा रहा है, पूरा मेल्ट हो जा रहा है मुँह, बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया, और इसका जो आलू टिक्की बनाया गया अच्छे से डीप फ्राई किया गया, उसका अच्छा सा क्रंचीनेस आ रहा है, आके मज़ा आ गया भाई, बहुत ही बढ़िया है, और 60 rupees के हिसाब से भाई बहुत ही रिजनेबल है, ये छोले वगैरह ऊपर से दिया गया, ये सारी मीठी चटनी खट्टी चटनी सब कुछ दिया गया, आगे भाई बहुत ही मज़ा आ रहा है खाने में भाई, बेहतरीन है, 60 rupees के हिसाब से भाई रिजनेबल है, सही बता रहा हूँ, 60 rupees के से बहुत ही कम प्राइस है, क्वालिटी और क्वान्टिटी भाई सब अच्छे तरीके से मेंटेन करके यहाँ पे सर्व किया जा रहा है। अच्छा छोले भी अच्छे से बॉइल हुए, सॉफ्ट है, खाने में मज़ा आ रहा है, फिलहाल मैं आलू टिक्की छोले चाट अभी लाइट ट्राई किया, 60 rupees प्राइस है, और आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, दुकान का नाम देख लीजिए, ये आगरा चाट सेंटर नाम है इसका दुकान का, तो फिलहाल यहाँ से मैंने लिया था, तो ये फिलहाल मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ फिलहाल, और देखता हूँ और क्या कवर कर सकता हूँ, यहाँ पे और इस साइड में यहाँ पे जूस का दुकान है, जूस सोडा वगैरह का, वो भी देखता हूँ वो कवर कर सकता हूँ कि नहीं, ठीक है फिलहाल इसको ख़त्म करता हूँ, बहुत ही टेस्ट लग रहा है खाने में, ये फिलहाल फटाफट फिनिश करता हूँ दूसरे आइटम पे जाता हूँ। तो भाई मैंने यहाँ पे ले लिया ये मसाला पेप्सी, ये 60 rupees करके, और बहुत ही बड़ा सा यहाँ पे ग्लास है, भैया कितने ml का ग्लास है ये, 500 ml का भाई ग्लास है, और 60 rupees करके, तो फिलहाल इसको मैं पी के देखता हूँ भाई कैसा लगता है, नॉर्मल जो पेप्सी लिया जाता है उसको ऊपर पहले से यहाँ पे मसाला डाला जाता है ग्लास में, नींबू निचोड़ के फिर यहाँ पे दिया जाता है, तो ट्राई करके पी के देखता हूँ कैसा लगता है भाई, भाई बहुत ही रिफ्रेशिंग है, ये मसाला ज़्यादा है ना इसमें, जलजीरा वगैरह भी है इसमें, और इनका कूटा हुआ सीक्रेट मसाला भी है, तो भाई बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पे ये पीने में, और नींबू वगैरह भी दिया जाता है तो खट्टापन है इसमें, तो भाई पी के भाई बहुत ही बढ़िया लग रहा है, रिफ्रेशिंग सा है भाई। शूट तो खत्म हो गया, तो फिलहाल अभी आ गया सिटी सेंटर मॉल के अंदर, तो सिटी सेंटर 1 ये सामने पड़ा है, तो देखता हूँ थोड़ा घूम के, मुझे कुछ काम है यहाँ पे, देखता हूँ कुछ मिलता है कि नहीं, मुझे एक जैकेट वगैरह भी खरीदना था, देखता हूँ क्या मिलता है क्या नहीं भाई, यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव भी होता है, अगर सस्ता मिलेगा तो ही लूँगा, नहीं तो भाई घूम के निकल जाऊँगा यहाँ से, कुछ साले लूँगा नहीं, बस बहुत दिन बाद आया हूँ इस एरिया में, तो घूम भी लेता हूँ, कुछ गैजेट वगैरह भी लेना है, देखता हूँ मिलता है कि नहीं, मिलेगा तो लूँगा, दिखाऊँगा क्या लेता हूँ क्या नहीं, ठीक है फिर निकल जाऊँगा, टाइम देखता हूँ क्या हुआ, 3:30 बज गया भाई, देखता हूँ जो लेना है मिलता है कि नहीं, मिलता है तो दिखाऊँगा, नहीं तो फटाफट घर जाऊँगा जैकेट। तो भैया मैं मॉल से निकल गया, मॉल से निकलने के बाद अभी ऑटो पकड़ लिया, ऑटो पकड़ के मुझे जाना बस स्टैंड, क्योंकि यहाँ से कोई डायरेक्ट है नहीं, तो यहाँ से फिलहाल जाता हूँ बस स्टैंड, बस पकड़ता हूँ निकलता हूँ फिलहाल घर, और मुझे कुछ मिला नहीं मॉल में, मैं कुछ खरीदने गया था देखना था, अभी तो सर्दियों का मौसम बनने वाला है, तो हुडीज वगैरह था, कुछ जैकेट वगैरह देखना था, पसंद नहीं आया, बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, तो मैंने वहाँ पर छोड़ के आगे अभी जा रहा हूँ सामने, बस पकड़ता हूँ और निकलता हूँ, कुछ निकलता हूँ बाहर तो कंटिन्यू।